हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ऑन माय यूट्यूब चैनल। अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी में पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग का भी फॉर्म आपको अप्लाई करना पड़ेगा। अगर आप जीएनएम कर लिए हैं तो पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं तो पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग वही कर सकता है जो जीएनएम किया हुआ है। क्योंकि अगर आप जीएनएम किए हैं पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग कर लेते हैं तो आप बीएससी नर्सिंग कितने एलिजिबल हो जाएंगे। तो पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग कौन कौन कर सकता है और एलिजिबिलिटी क्या है, सारी चीज़ें इस वीडियो में जानेंगे। पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग के कोई गवर्नमेंट कॉलेज हमारे अकॉर्डिंग नहीं ऐड हैं, जहां तक हमने पीडीएफ पिछले साल देखा था, और 2021 में तो नहीं ऐड थे, 2021 में नहीं ऐड थे, 22 में भी नहीं ऐड थे, 23 में शायद ऐड थे, नहीं ऐड थे, इसका कन्फर्मेशन नहीं है। लेकिन कोई कॉलेज नहीं है पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग का गवर्नमेंट कॉलेज, सारे प्राइवेट कॉलेज हैं। अलीगढ़ साइड शायद एक कॉलेज ऐसा है, वहाँ से हमने एक स्टूडेंट का काउंसलिंग, दो लोगों का काउंसलिंग किया था 2021 में। वो कॉलेज ठीक कॉलेज है और उसकी फ़ीस भी काफ़ी कम है। अगर वहाँ से आप एडमिशन लेना चाहते हैं ले सकते हैं। 2021 में वो दोनों लोग कंप्लीट कर रहे थे तो उनका पिछले साल कंप्लीट हो गया, 21-22, 22-23 में उनका कंप्लीट हो गया। और पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग ईयरली वाइज है, सेमेस्टर वाइज नहीं है। पोस्ट बेसिक जो है अभी तक तो 21 में ईयरली वाइज ही था। जब बीएससी नर्सिंग का एप्लीकेशन फॉर्म आएगा उसी टाइम इसका भी आता है, जो है बीएससी नर्सिंग, एमएससी नर्सिंग और पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग, तीनों का सेम टाइम में एप्लीकेशन फॉर्म आता है। पिछले साल 15 अप्रैल तक एप्लीकेशन फॉर्म आया हुआ था, तो लगभग 4 जून को इसका एंट्रेंस एग्ज़ाम था। 4 जून, हाँ 4 जून को इसका एंट्रेंस एग्ज़ाम, देखिए लिखा हुआ है एंट्रेंस एग्ज़ाम 4 जून, तो 4 जून को एंट्रेंस एग्ज़ाम था, 15 अप्रैल तक आया था। तो इस बार हो सकता है इसी वीक के लास्ट तक आ जाए, मतलब जहाँ तक उम्मीद है 17-18 तक एप्लीकेशन फॉर्म आ जाए। और एप्लीकेशन फॉर्म आएगा तो लगभग लास्ट डेट वही रहेगी जो है 18-20 में ही लास्ट डेट रहेगी, क्योंकि आपको पता है 9 जून को एग्ज़ाम है। तो 9 जून को एग्ज़ाम पोस्ट बेसिक का भी है और एमएससी का भी है और बीएससी नर्सिंग का भी है। वही सेम एप्लीकेशन फॉर्म की फ़ीस रहने वाली है, 3000 रुपये एप्लीकेशन फॉर्म की फ़ीस रहेगी। यहाँ पे देखिए इन्होंने लिखा हुआ है कि अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी यूपी लखनऊ एवीएमयू कंडक्ट द कॉमन नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट फॉर एडमिशन ऑफ पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग 2 ईयर एकेडमिक सेशन 2023-2024। हालांकि पिछले साल का ब्राउजर है। यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट इन्होंने देखिए क्या लिखा हुआ था, नर्सिंग कॉलेज एफिलिएटेड टू एवीएमयू गवर्नमेंट एंड प्राइवेट यूनिवर्सिटी डीम्ड यूनिवर्सिटी। तो यहाँ पे कोई गवर्नमेंट कॉलेज नहीं है। अगर गवर्नमेंट कॉलेज ऐड होगा तो इस बार अटल बिहारी वाजपेयी ही ऐड होगा। अटल बिहारी वाजपेयी का कैंपस लगभग बन चुका है, थोड़ा बहुत पीछे का कैंपस अभी बनना बाकी है, पूरा कैंपस देख रहे हैं बन गया है। तो अगर कैंपस बन गया है तो इस बार कैंपस उनको स्टार्ट कर देना चाहिए। अगर स्टार्ट होगा तो जितने भी कोर्स चल रहे हैं, चाहे MBBS हो, BDS हो, और फिर इधर के सब्जेक्ट हों, ये छोड़कर जो है आयुष के कोर्स छोड़कर, आयुष के BMS, BHMS और ये सब कोर्स छोड़ के जो है BUMS, और फिर BSc नर्सिंग हो, पैरामेडिकल्स के कोई भी कोर्स हो, नर्सिंग के कोई भी कोर्स हो, BSc नर्सिंग, पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग, GNM, ये सारे जो है अटल बिहारी वाजपेयी के कैंपस में चलेंगे कोर्स। तो इस साल से संभावना है कि यूनिवर्सिटी ऐड हो जाएगी, उसके अंदर भी कोर्स आ जाएंगे, क्योंकि टीचर की वैकेंसी आई हुई थी और वैकेंसी क्लियर हो गई अटल बिहारी की। जो वैकेंसी अटल बिहारी यूनिवर्सिटी है, VC तो वहीं है, बाकी वाइस प्रो VC और इसके बाद रजिस्ट्रार वगैरह की, इसके बाद फिर जितने टीचर्स वगैरह होते हैं सबकी वैकेंसी आई हुई थी। तो संभावना इस बार स्टार्ट होने की, तो स्टार्ट हो जाएगी तो ये सारे कोर्स आपको मिलेंगे जो है। तो यूनिवर्सिटी में हो सकता है एक कोर्स हो जाए, बाकी अभी तक कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज ऐड नहीं है। ये सेंटर है जहाँ आप जो है एंट्रेंस एग्ज़ाम दे सकते हैं। और फिर वही है, इसमें भी आपकी जो कास्ट सर्टिफिकेट है, कास्ट सर्टिफिकेट का मतलब ही कोई नहीं, बनवा लीजिए। अगर गवर्नमेंट कॉलेज ऐड होते हैं तो आपकी कास्ट सर्टिफिकेट इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि तब वहाँ पे आपका जो है, और बाकी प्राइवेट कॉलेज में तो कास्ट सर्टिफिकेट कोई लगती ही नहीं है। 3000 रुपये फ़ीस है एप्लीकेशन फॉर्म की फ़ीस है, जनरल OBC के लिए, SC ST के लिए फ़ीस, PW के लिए 2000 रुपये। मिनिमम में 17 साल यहाँ लिखा है, वही चपका दिए हैं जो नर्सिंग और पैरामेडिकल्स का होता है, बाकी ब्राउजर में चेंज ही नहीं किए होंगे, कुछ थोड़ा सा चेंज हुआ है देखेंगे। पॉइंट नंबर बी पे, ऑब्टेंड सर्टिफिकेट GNM एंड रजिस्टर्ड एज RN RM विद स्टेट रजिस्टर्ड काउंसलिंग ऑफ उत्तर प्रदेश, यहाँ से आपका रजिस्ट्रेशन वगैरह होना चाहिए। और ए मेल नर्स ट्रेंड बिफोर दी न्यू रजिस्ट इंटीग्रेटेड कोर्स ऑफ बेस्ड ऑन रजिस्ट्रेशन नर्स स्टेट रजिस्टर्ड नर्सिंग काउंसलिंग ट्रेंड द नर्सिंग काउंसलिंग ऑफ फॉर द सिमिलर ड्यूरेशन
मिडवाइफरी एज वेल। तो ये है जो कि ये ऑफ़र कर रहे हैं ओटी टेक्नीशियन, ये फॉलोइंग एरिया में ये एरिया है जहां आप जो है काम कर सकते हैं। पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग का और थोड़ा सा हम इंफॉर्मेशन ले लेते हैं, बाकी वही है कास्ट सर्टिफिकेट बनवा लीजिए, हो सकता है इस बार ऐड हो जाए जो है, तो ऐड होने की संभावना जो है वो है 90% है हमारे हिसाब से कि ऐड हो जाए अटल बिहारी वाजपेयी। कंप्लीट बन गया है तो इस बार स्टार्ट कर देना चाहिए। इंस्ट्रक्शन फॉर कैंडिडेट्स फॉर फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन, तो ये इंस्ट्रक्शन है, कोई निगेटिव वगैरह मार्किंग नहीं होती है, और निगेटिव मार्किंग नहीं होती है यहाँ पे। और चीज़ें हम देख लेते हैं, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरेंगे ये है पूरा यहाँ पे, कौन कौन से स्टेप्स, फ़ोटो की साइज़ ये होनी चाहिए, फ़ोटो के बारे में थोड़ा सा जो क्राइटेरिया है इसको आप फुलफ़िल करेंगे क्योंकि फॉर्म रिजेक्शन से आप बचेंगे। और करेक्शन डेट नहीं आती है, आपको पता होना चाहिए जो स्टेट्स के फॉर्म होते हैं उसमें करेक्शन डेट नहीं आती है। जो एग्ज़ाम टाइमिंग है यही है जो बीएससी नर्सिंग की होती है, वही पोस्ट बेसिक की भी एग्ज़ाम टाइमिंग होती है। पिछली साल ये था, तो टाइम देख लेते हैं, टाइम वही रहेगा 180 मिनट का होगा, 200 क्वेश्चंस आएंगे। 200 क्वेश्चंस कहाँ कहाँ से आएंगे, मोड ऑफ एग्जामिनेशन आपको वही मिलेगा, पेन पेपर बेस्ड ही होगा, ओ मार्कशीट मतलब बेस्ड ही होगा, बॉल पेन से आप जो है यहाँ पे देखेंगे। कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है, जो भी अभी तक एंट्रेंस करवा रही है अटल बिहारी वाजपेयी, कोई निगेटिव मार्किंग अभी तक नहीं होते हुए आई है, तो इस बार भी नहीं होगी। मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन इंग्लिश होगा, और अगर गाइडलाइन आती है तो पेपर हिंदी में होगा। सिलेबस क्या है, सिलेबस आपको ये पता होना चाहिए, सिलेबस जो है और क्वेश्चन कहाँ से आएगा। पेपर आपका जो है ए बी सी तीन सेक्शन में डिवाइड होगा, सेक्शन ए 110 नंबर कंटेंट करेगा, सेक्शन बी 60 कंटेंट करेगा, सेक्शन सी जो है ये 30 नंबर कंटेंट करेगा। सेक्शन ए में जो क्वेश्चन आएंगे 110 नंबर, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग आएंगे, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग आएंगे, मेडिकल हेल्थ नर्सिंग से आएंगे, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग से आएंगे, बोले तो पीडियाट्रिक, इसके बाद मिडवाइफरी गायनकोलॉजिकल नर्सिंग से आएंगे, ये 110 नंबर कंटेंट करेंगे। सेक्शन बी जो है 60 नंबर कंटेंट करेगा, जो कि बायोसाइंस एनाटॉमी फिजियोलॉजी माइक्रोबायोलॉजी कंटेंट करेगा, नर्सिंग फाउंडेशन फंडामेंटल कंटेंट करेगा, फर्स्ट एड भी कंटेंट करेगा, बिहेवियर साइंस में साइकोलॉजी सोशियोलॉजी कंटेंट करेगी, जो कि 60 नंबर आएगा। बाकी जो 30 नंबर आएगा वो 30 नंबर नॉर्मल पूछेगा, कंप्यूटर एजुकेशन, इंग्लिश, नर्सिंग एजुकेशन, इंट्रोडक्शन टू रिसर्च एंड स्टैटिक्स, प्रोफेशनल ट्रेड्स एंड एडजस्टमेंट्स, नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन एंड वार्ड मैनेजमेंट। तो ये सिलेबस है, सिलेबस एक बार फिर से आप लोग फोकस कर लीजिएगा, ये आपका सिलेबस है, यहीं से क्वेश्चन पूछेगा। बाकी रिजर्वेशन पॉलिसी है, जो कि गवर्नमेंट अगर कॉलेज ऐड होंगे तो रिजर्वेशन पॉलिसी फॉलो होगी, नहीं प्राइवेट में कोई फॉलो नहीं होगी। प्रयास करेंगे आप ऐसी जगह एडमिशन लें जहाँ पर रेगुलर आपको क्लास ना करनी पड़े, तो ऐसे ही कॉलेज में एडमिशन ले सही रहेगा। अगर आप जेएनएम कर लिए हैं तो आपका यही प्रयास होगा कि हम कहीं जॉब भी करते रहें, जो भी 15-20 हज़ार रुपये मिल रहे हैं वो प्रॉपर हमको मिलता रहे और कॉलेज की फ़ीस भी हम फिल कर दें। तो जो ऑन एवरेज फ़ीस हम बता रहे हैं वो 60 हज़ार रुपये फ़ीस है, बहुत कॉलेज हैं इनकी फ़ीस ज़्यादा है। आपको कोर्स करना है, डिग्री लेना है, इसलिए फ़ीस के चक्कर बना रहे हैं, ऐसे कॉलेज में एडमिशन ले लें जहाँ पर ज़्यादा फ़ीस है। और जितने कॉलेज ऐड हैं अटल बिहारी से वो सारे ठीक कॉलेज हैं, प्रॉपर टाइम में इनका एग्ज़ाम होगा ही क्योंकि अटल बिहारी से ऐड हैं, तो एग्ज़ाम इनको करवाना ही पड़ेगा, मनमानी बिल्कुल नहीं चलती है अब। तो ऐसी जगह एडमिशन लें जहाँ पे फ़ीस कम लगे, और थोड़ा सा अपना बात कर लीजिए, डोनेशन वगैरह लग जाता, शायद अटेंडेंस 60 के 5-6 हज़ार रुपये लिए थे जो दोनों कैंडिडेट थे, तो 4-5 हज़ार रुपये लेकर वो सब कुछ सही कर देते, मामला रफा दफा, और एग्ज़ाम जो है आप दे लीजिए, क्योंकि ईयरली एग्ज़ाम होता तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर आप पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग से हैं तो कमेंट करेंगे, फर्दर हम उनसे पूछकर जो दोनों लोग किए हुए हैं किसी एक से पूछकर और भी इन्फॉर्मेशन दे देंगे, तो डिटेल में आपको इन्फॉर्मेशन दे देंगे, तो आपको चीज़ें आसान रहेंगी और कैसे क्या होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ। जय हिंद।